ग्वालियर के फूलबाग मैदान में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ व गजरथ महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस भव्य आयोजन की जानकारी मुनिश्री विहर्ष सागर महाराज ने नई सड़क स्थित चंपा बाग धर्मशाला में पत्रकार बंधुओं को दी। शहर में यह कार्यक्रम पहली बार 18 से 24 फरवरी तक आयोजित होगा। मुनिश्री विहर्ष सागर ने बताया कि पंच कल्याणक पत्थर को भगवान बनाने की एक विधि है, जिसमें गर्भ, जन्म, वैराग्य, केवल ज्ञान और मोक्ष, ये 5 घटनाएं होती हैं। पंच कल्याण के दौरान 5ों दिन एक एक घटनाओं के संदर्भ में अनुष्ठान होता है। संपूर्ण अनुष्ठान होने के बाद ही मूर्तियां मंदिरों में विराजमान करके पूजने लायक होती हैं। 19 फरवरी को चंपाबाग से मंगल कलश घट यात्रा निकाली जाएगी। इसमें 3 हाथी 3 रथ 24 बग्घियों में इंद्राणी सवार रहेंगे। ये शोभा यात्रा नई सड़क से गश्त का ताजिया होते हुए अयोध्या नगरी फूलबाग मैदान पहुंचेगी। 24 फरवरी को मोक्ष कल्याणक और विश्व शांति महायज्ञ एवं गजरथ फेरी के साथ सह कार्यक्रम संपन्न होगा। इसके मुख्य अतिथि केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे। और 19-18 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक का यानी 6 दिन का यह प्रोग्राम, ये वहाँ आयोजन के रूप में पंच कल्याणक महोत्सव होने जा रहा है। और यह पंचकल्याणक महोत्सव का मकसद जो है, इसमें भगवान मूर्तियां जो होती हैं, जो कि जयपुर से जो मूर्ति आती हैं भगवान की, और उन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उन्हें मंत्रों के माध्यम से उन मूर्तियों को जीवंत किया जाता है, उन्हें भगवान बनाया जाता है। तो भगवान बनने की कला का नाम है पंचकल्याणक महोत्सव और विश्व शांति महायज्ञ, कि जिसमें मंत्रों की आहुतियां दी जाती हैं, जिससे कि सारे वर्ल्ड में शांति हो, पूरे भारत देश में शांति हो, घर घर में शांति हो। अपन ये देखें कि जो पंचकल्याणक होता है ये 5 दिन का होता है, और 5 दिन का जो पंचकल्याणक है, पंचकल्याणक का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग हर व्यक्ति के लिए संदेश दिया गया कि जैसे हमारा भी, जैसे भगवान हम गर्भ में आते हैं, भगवान भी वैसे ही गर्भ में आते हैं, और हमारा जन्म होता है, भगवान का भी जन्म होता है। हम लोगों के यहाँ शादियाँ होती हैं तो भगवान की भी शादी करते हैं, भगवान के यहाँ ना स्त्री सहयोग भगवान के पास भी है, अपने पास भी है, पर हम लोग उसमें डूब जाते हैं। और भगवान ने संदेश दिया कि किसी भी चीज़ में डूबो मत, डुबकी लगाओ और निकल जाओ, और एक समय तक घर गृहस्थी में रहिए, और घर गृहस्थी का त्याग करके आप भी सब कुछ छोड़ कर के भगवान बन जाइए। शिक्षा है कि इन 5 दिन में कैसे भगवान पैदा हुए, कैसे उन्होंने भी पूरा राजपाट का भोग भोगा, सुख भोगा, सुख सुविधाओं से संयुक्त रहे, और एक दिन है ना सब छोड़ कर के जंगल में चले गए, दीक्षा ले ली, भगवान बन गए, है ना। तो ये 5 दिन का पंच कल्याणक हमें जीने की कला, मरने की कला, है ना, और हमें कैसे रहना चाहिए, शान से, अपने स्वाभिमान से, है ना, अपने एटीट्यूड को बरकरार रखते हुए, है ना, और जीना चाहिए। तो ये कला हमें 5 दिन में दिखाई जाती है। फूलबाग ग्राउंड पर अपन ये देखें, ये पंचकल्याणक अपन चाहे थे तो छोटी जो अपन ये जगह है मंदिर की, यहाँ भी कर सकते थे, पर अपन ने यहाँ इसलिए नहीं किया। हम चाहते हैं कि ये वो क्रियाएं हैं जो क्रियाएं जन जन तक पहुँचना चाहिए, जन जन तक, है ना, उनकी आँखें उनको देखें। कभी बीच चौराहे पर रहेगा, फूलबाग पर, सभी लोग देखेंगे, सभी लोगों को शिक्षा मिलेगी, सभी को ज्ञान मिलेगा, और सभी देखेंगे तो पुण्य मिलेगा, और हमारे खाते में पुण्य आएगा तो हमारी सुख समृद्धि की तरफ कदम बढ़ेंगे, सफलताएँ मिलेंगी, है ना, व्यापार में वृद्धि होगी। तो इसलिए उसको बीच मिड में रखा गया, चारों तरफ के लोग आकर के उसका आनंद ले सके। मुख्य अतिथि के रूप में अभी अपन देखें ना, 24 तारीख को सिंधिया जी आएंगे, और 20 तारीख को प्रदम तोमर जी जो अपने हैं मंत्री जी, वो आएंगे, है ना, और हो सकता है 21 तारीख को अपने गृह मंत्री ना नरोत्तम मिश्रा जी आ सकते हैं, है ना, और अपने सेजलकर जी हैं, सांसद जी हैं, वो भी रहेंगे। ये सभी लोग उस कार्यक्रम में हिस्सेदार बनेंगे और आकर के पुनर्जन करेंगे, है ना। शोभा यात्रा सुबह सुबह 7:30 बजे, है ना, 19 तारीख को यहाँ चंपाबाग बगीची से प्रारंभ होकर के, और ना अपने
ग्राउंड फूलबाग ग्राउंड पर पहुंचेगी। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today Network को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।